हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ये कार्तिक जिंदल। तो आज आपके सामने लेके आया हूं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द नवंबर 2020 सीए एग्जामिनेशंस। सर नवंबर 2020 पर रिजल्ट्स आ रहा है, लेकिन सर जो रिजल्ट आ रहा है हमारा नवंबर 2020 के अंदर वो किसका आ रहा है सर? सीए फाउंडेशंस का भी है, सीए इंटरमीडिएट का भी, एंड सीए फाइनल का भी है, बोथ ओल्ड एंड न्यू स्कीम कवर्ड। रिजल्ट कब आ रहा है दोस्त? अगर मैं सच बताऊं तो पहले सीए फाइनल की बात करते हैं तो उसका डेट एक्सपेक्टेड था 20 तारीख का, यस 20 जनवरी 2021 का उसका डेट एक्सपेक्टेड था। लेकिन अभी खंडेलवाल सर हैं जो आईसीआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर, उनका आज एक मैंने खोल रखा है आपका ट्विटर, उनका एक ट्वीट आया था सर, व्हेन रिजल्ट विल बी अनाउंस फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। तो खंडेलवाल सर लिखते हैं सीए एग्जाम रिजल्ट फॉर ऑल विच मे बी देयर बाय फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021। मतलब गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सपेक्टेड डेट हम सोच रहे थे वो नहीं होने वाली। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि सीए फाउंडेशन का, सीए इंटरमीडिएट का एंड सीए फाइनल का रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही आएगा। अगर मैं वैसे अपना ओपिनियन बताऊं गाइस, तो मुझे लगता था कि सीए फाइनल का जैन 2021 में रिजल्ट आ जाएगा सीए फाइनल का, लेकिन नहीं आ रहा, अब ये फरवरी में ही आ रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। कारण क्या हो सकता है कि सीए फाइनल का जो रिजल्ट है वो लंबा टाइम तक खींचा जा रहा है, आपको दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर गाइस। कारण एक हो सकता है कि जो बच्चा जैन 2021 में एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है उसको टेंशन ना हो, उसको पैनिक ना हो, वो अपना अच्छे से एग्जाम हो जाए और कभी बाद में ये ना सोचे कि यार काश मैंने उस टाइम एग्जाम अटेम्प्ट किया होता तो मैं पास हो जाता। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी आईसीआई के बच्चे जनवरी 21 में एग्जाम लिखने जा रहे हैं बहुत ही आराम से लिख के आए और टेंशन ना ले रिजल्ट्स की। ऑब्वियसली बात है, क्या रिजल्ट दोनों का साथ आएगा? नहीं गाइस, दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा। नवंबर 20 का अलग आएगा, जैन 21 एग्जाम का रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो ये थी आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। होपफुली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपने एग्जाम में बहुत अच्छा एफर्ट्स किए हैं तो आपके जो रिजल्ट है जैन नवंबर 20 के बहुत ही गाइस आपके अच्छे जाएंगे। एंड अपना ख्याल रखना, खुश रहना दोस्त। जय हिंद दोस्तों।